बड़ी खबर, मसौरी से उपद्रवियों ने तारेगना जीआरपी पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया है, कई गाड़ियों को प्रदर्शनकारियों ने फूंका है। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है, पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल जीआरपी भवन में छिपे हुए हैं। बड़ी खबर, पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई है, पुलिस के अधिकारी जीआरपी भवन में छिपे हुए हैं, यानी कि प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच फायरिंग का दौर फिलहाल जारी है। चलो इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। मसौरी हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर जुड़े हुए हैं। निषेध, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? पुलिस जीआरपी भवन में छिपी हुई है, लगातार फायरिंग की खबरें सामने आ रही है। निषेध, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए सर मिला, मसौड़ी से सटा ये रेलवे स्टेशन है तारेगना जीआरपी, पर जो पूरा भवन है उसमें जो उपद्रवी है उन्होंने पूरी तरीके से आग लगा दिया है। साथ ही साथ जो तारेगना रेलवे स्टेशन है उसके अलग अलग हिस्सों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। कई राउंड गोलियां भी चलानी पड़ी है प्रशासन को सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए, और साथ ही साथ जो उपद्रवी है वो जो लगातार उपद्रव मचा रहे हैं वो लगातार पथराव कर रहे हैं। निषेध, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जो फायरिंग हुई है, क्या इस फायरिंग में हताहत की खबर तो सामने नहीं आ रही है? देखिए, हताहत तक की कोई ऐसी खबर नहीं है, प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए हवाई फायरिंग की है ताकि जो उपद्रवी उपद्रव मचा रहे हैं उनको वहां से दूर थोड़ा किया जाए, क्योंकि रह रहकर लगातार झड़प हो रही है। प्रशासन और उन जो प्रदर्शनकारी हैं उन दोनों के बीच में लगातार झड़पें हो रही है, दोनों ओर से पथराव किया जा रहा है। रेलवे का जो स्टेशन है तारेगना वहां पे आग लगा दी गई है, और जो रेलवे ट्रैक पे जो पत्थरे हैं उन पत्थरों को उठाकर लगातार प्रशासन के ऊपर फेंका जा रहा है, और कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निषेध। तो फिलहाल कई पुलिसकर्मियों की घायल होने की खबर मसौरी से सामने आ रही है, लगातार फायरिंग हो रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कब तक अग्निपथ, कब तक ये प्रदर्शन होगा, और अग्निपथ के खिलाफ बिहार बंद का मोकामा और घोसवरी में भले ही ज्यादा असर नहीं हुआ है, जी हां हम उस बिहार बंद की बात कर रहे हैं जो महागठबंधन ने बुलाया है, लेकिन राजद कार्यकर्ताओं ने घोसवरी बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन देकर सेना भर्ती की नई नियमावली की खिलाफत की है। राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं प्रहलाद राम, उनके नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और सरकार तक मांग पत्र पहुंचाने की गुजारिश की है। चलिए मुकामा से सहयोगी मुन्ना शर्मा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुन्ना